हेलो नमस्ते आदाब, मेरा नाम है सोनाली और शुरू हो चुका है द सिनेमा शो। चलिए शुरू करते हैं आज का खबरनामा। पहली खबर फेमस हॉरर फ्रेंचाइजी फिल्म द कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट की, जिसे 2 जुलाई को इंडिया में रिलीज किया जा सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज में इस फिल्म को वैसे 4 जून को रिलीज कर दिया गया था, मगर इंडिया में कोविड-19 की सिचुएशन सेकेंड वेव को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने यहाँ फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। फिलहाल इंडिया में रिलीज डेट को लेकर वॉर्नर ब्रदर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। द कॉन्जरिंग 3 थिएटर्स के साथ साथ HBO मैक्स पर भी रिलीज की गई थी। द कॉन्जरिंग 3 में पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिंग नजर आए हैं। अगली खबर आयुष्मान खुराना की, जो आनंद एल राय के साथ नेक्स्ट फिल्म पर काम शुरू कर सकते हैं। इससे पहले दोनों साल 2020 में आई शुभ मंगल ज्यादा सावधान में दिखाई दिए थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग डॉक्टर जी की शूटिंग खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। मूवी को USA में शूट किया जाएगा। इस अनटाइटल्ड फिल्म को अनिरुद्ध गणपति डायरेक्ट कर सकते हैं, जो इससे पहले जीरो और तनुज मनो रिटर्न्स में आनंद एल राय को असिस्ट कर चुके हैं। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल नवम्बर तक ये फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान बीते कई महीनों से रिलीज के लिए अटकी पड़ी हुई है। फाइनली मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि ये मूवी 16 जुलाई को Amazon Prime Video पर रिलीज की जाएगी। पहले इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, मगर कोरोना ने सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। रिलीज डेट अनाउंस करते हुए फरहान ने लिखा, प्यार और देश के लोगों की लड़ाई की भावना के प्रति समर्पण के साथ हमारी फिल्म तूफान 16 जुलाई को रिलीज होगी। मूवी में फरहान एक बॉक्सर के रोल में दिखाई देंगे, उनके साथ मृणाल ठाकुर भी नजर आएंगी। अब बात समांथा अकिनेनी की, जिनकी हाल ही में आई वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 को खूब पसंद किया गया, उनके रोल राजी को भी। राजी किरदार के लिए समांथा की काफी तारीफ हुई। इसी के बाद खबरें चलने लगी कि समांथा जल्द ही एक नई वेब सीरीज में नजर आने वाली है, मगर ये खबर पूरी तरह गलत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समांथा इन दिनों अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिलहाल उनके पास किसी OTT प्लेटफॉर्म का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। द फैमिली मैन 2 भी उन्होंने सिर्फ डायरेक्टर्स राज और डीके के लिए ही की थी। फिलहाल समांथा के पास और भी 2 तमिल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक फिल्म में उनके साथ एक्टर विजय सेतुपति नजर आएंगे। अब बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यानी सलमान खान फिल्म्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी फिल्म्स जल्द ही जावेद अख्तर और सलीम खान की डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम रखा गया है एंग्री यंग मैन। इस डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्शन करेंगी नम्रता राव। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट होगा जिसे फरहान अख्तर, सलमान खान, रितेश सिद्धवानी और जोया अख्तर मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में सलीम जावेद के कालजयी कामों को दिखाया जाएगा। सलीम जावेद की जोड़ी ने 1970 के दशक में भारतीय सिनेमा में क्रांति ला दी थी। दोनों ने जंजीर, शोले, सीता और गीता, दीवार, त्रिशूल, डॉन, शान और शक्ति जैसी कल्ट फिल्मों के लिए साथ काम किया था। कल सिनेमा शो के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कंगना रनौत अपने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के पास पहुंच गए हैं। इसी केस पर 15 जून को सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्होंने गलत समय पर याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि जब पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो रही है तब आखिरी समय में याचिका क्यों दाखिल की गई। जस्टिस PB वार्ले और SP तावड़े ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि कंगना की याचिका अस्पष्ट है, साथ ही उसमें रेलेवेंट फैक्ट्स की कमी है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 25 जून तक टाल दी गई है। दरअसल पासपोर्ट ऑफिस ने कंगना के पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए कोर्ट के निर्देश की मांग की है, क्योंकि उनके ऊपर समुदाय में नफरत फैलाने, सांप्रदायिकता फैलाने, आपत्तिजनक ट्वीट करने और राजद्रोह का मामला चल रहा है। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो डाली, जिसके बाद लोग अनिल कपूर को याद करने लगे। क्यों? क्योंकि उर्वशी इस तस्वीर में मड बाथ लेती दिख रही है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर मिट्टी लगा रखी है। बेसिकली फैंस इस फोटो को अनिल कपूर की फिल्म नायक से जोड़ रहे हैं। उनकी इस तस्वीर पर लोग उन्हें नायक का फीमेल वर्जन और CM शिवाजी राव बुलाने लगे। लोगों ने तो इस फोटो पर नायक 2.0 बनाने और उसमें उर्वशी को कास्ट करने की मांग भी कर ली। खैर, उर्वशी रिसेंटली वर्साचे बेबी सॉन्ग नजर आई है। सोशल मीडिया का रुख करें तो आज सुबह से ही ट्विटर पर स्वरा भास्कर का नाम ट्रेंड हो रहा है। लोग स्वरा भास्कर को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहे थे। वजह थी स्वरा का एक ट्वीट। दरअसल बीते दिनों गाजियाबाद में
बुजुर्ग के साथ बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसे लेकर स्वरा ने पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, राइट विंग और संघी लगातार मेरे टाइमलाइन पर उल्टी कर रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने 3 मुस्लिम लोगों का नाम लिया है। मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर है। जो शख्स कैमरे में नजर आ रहा है वह बूढ़े व्यक्ति पर जोर डाल रहा है, जय श्री राम बोलने को कह रहा है। स्वरा के इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों ने उन्हें फेक न्यूज फैलाने वाली कहा। एक यूजर ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखा, ये औरत धार्मिक दंगों को बढ़ाने के लिए अभी भी झूठी खबरें फैला रही है, जबकि गाजियाबाद पुलिस ने पहले ही इस मामले में बयान दे दिया है, इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्वीट किया, अर्बन नक्सल स्वरा भास्कर के खिलाफ FIR होनी चाहिए, ये झूठ बोलती है और झूठ फैलाने में भी माहिर है। कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री ने भी ट्वीट किया, लिखा, कठुआ से लेकर आजादी गैंग, CAA और दिल्ली दंगों तक स्वरा ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा झूठ बोलने का, और फिर ये फेक न्यूज। वायरल वीडियो की बात करें तो पुलिस ने इस झगड़े के पीछे ताबीज को कारण माना है। पुलिस के अनुसार यह बुजुर्ग ताबीज बनाता था, उन्होंने परवेश गुर्जर नाम के युवक को ताबीज दिया था। बताया जा रहा है कि ताबीज बनाने के बाद उल्टा असर हो गया, युवक को यही लगा कि ताबीज के कारण ये सब हुआ है। इसी को लेकर गुस्से में उसने अब्दुल समद की दाढ़ी काट दी और पिटाई कर दी। गाजियाबाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में 3 आरोपियों को पकड़कर केस के खुलासे का दावा किया था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि आरोपी बुजुर्ग को पहले से जानते थे। कल के एपिसोड में हमने आपको राइटर कनिका ढिल्लों और नवजोत गुलाटी के ट्विटर वॉर के बारे में बताया था। नवजोत ने कनिका पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था, जिसके बाद कनिका और तापसी ने उन पर पलटवार भी किया था। नवजोत के ट्वीट के बाद उनको नेगेटिव रिस्पांस मिलने लगा तो उन्होंने इसकी सफाई भी दे डाली। एक ट्वीट करके नवजोत ने लिखा कि वो किसी भी तरह कनिका ढिल्लों के लिए कुछ नहीं कह रहे थे, बल्कि वो तो नेटफ्लिक्स के क्रेडिट सिस्टम की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नेटफ्लिक्स कास्ट और क्रू को क्रेडिट नहीं देता है, इसीलिए उन्होंने वो पोस्ट किया था जिसे गलत तरीके से ले लिया गया। इसके बाद लंबा चौड़ा पोस्ट करके उन्होंने ये भी लिखा कि उनके पोस्ट से अगर किसी को अपमानित महसूस हुआ है तो वो माफी मांगते हैं। अब खबर लॉस की। हॉलीवुड एक्ट्रेस लीसा बेंस का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। वो बीते 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। न्यूयॉर्क में उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थी। लीसा गॉन गर्ल जैसी फिल्मों और बहुत से टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं बॉलीवुड में गुजरे जमाने के एक्टर चंद्रशेखर का भी 16 जून को निधन हो गया। वो 97 साल के थे। उन्होंने अपने करियर में करीब 250 फिल्में और कई टीवी शोज किए थे। रामानंद सागर की रामायण में उनका आर्य सुमंत का किरदार अमर हो गया था। तो बस आज के शो में बड़ी खबरें इतनी ही। चलते चलते विश करेंगे दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और फिल्म मेकर इम्तियाज अली को। दोनों का ही आज बर्थडे होता है। दोनों को हमारी तरफ से जन्मदिन की आकाश भर बधाई। दोनों ऐसे ही मस्त रहें, खुश रहें। शोकान करेंगे इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल के गाने से। इसे लिखा था इरशाद कामिल ने और गाया है राहत फतेह अली खान ने। धुन थी प्रीतम की, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू, रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली, चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अदा, जीती रहे सल्तनत तेरी जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी तेनू दिल दा वास्ता। अब लेंगे आपसे विदा, मुलाकात होगी कल सिनेमा शो के नए एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूँ सोनाली, शुक्रिया।